खबर गंजबासौदा जिला विदिशा से। परीक्षा देते समय छात्रा का बिगड़ा था स्वास्थ्य, आवेदन देने वालों की कवरेज करने से मीडिया को रोका। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा में CBSE 10th क्लास की परीक्षा के दौरान एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस परीक्षा केंद्र में छात्रा पेपर दे रही थी, उसी स्कूल के प्रबंधन ने छात्रा के स्कूल और परिवार को इसकी सूचना 3 घंटे बाद दी। इतना ही नहीं, छात्रा की 3 घंटे तबीयत खराब होने के हालत में पेपर देने को कहा गया। छात्रा के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसका पेपर भी बिगड़ गया। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्रा को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई। शुक्रवार को इसकी शिकायत लेकर परिजन SDM कार्यालय पहुंचे तो वहां आधे घंटे तक तपती धूप में बीमार छात्रा और उसके परिजन कार्यालय के बाहर ही खड़े रहे। छात्रा के परिवार को आवेदन देना था, इसलिए तपती धूप में साहब का इंतजार करना मुनासिब समझा। इस दौरान SDM कार्यालय के कर्मचारी ने परिजनों से SDM के चैम्बर में आने को कहा। इसी दौरान वहां आवेदनकर्ताओं की कवरेज करने मीडिया कर्मी भी कार्यालय पहुंचे। आवेदन देते समय जैसे ही छात्रा कुछ कह पाती, इससे पहले SDM ने मीडिया कर्मियों को कड़क लहजे में वीडियो शूट करने से रोककर कहा कि अन्य जैसा ऑफिस ना समझें। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, IPS स्कूल, CBSE बोर्ड। मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पे मैंने रोल नंबर एंड ऑन लिखा और कुछ सम्स करके ही फिर मुझे चक्कर आ गया और मैं ब्रांच पे ही बेहोश हो गई। एंड इसके बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मुझे पता नहीं कि मुझे कब होश आया, बट जब मुझे थोड़ा सा होश आया, जब टीचर्स मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो फिर वो मुझे थोड़ा बाहर लेकर गए और मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, बट उनके कोई भी वॉशरूम्स वगैरह खुले नहीं थे। तो 15-20 मिनट बाद फिर उनने वॉशरूम्स खोले एंड उसके बाद फिर मैं वहाँ गई। उसके बाद जब मुझे वापस क्लास में ला के बिठा दिया गया और मुझे बोला गया कि पेपर तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। मैंने उनसे बोला भी कि मुझसे पेपर नहीं हो रहा है, क्या कुछ और ऑप्शन है, बट उन्होंने कहा नहीं, पेपर तो देना ही पड़ेगा। और मुझे चक्कर आ रहे थे स्टिल 2 घंटे, जब तक पेपर ख़त्म नहीं हुआ मुझे वहीं पर बैठना पड़ा। और इसके बाद फिर मेरे स्कूल कॉल किया गया, मेरे स्कूल वालों ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया और जब पेपर पूरा ख़त्म होने के बाद जब सब बच्चे जा चुके थे उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ पाए। तो हम लोग जो है बाहर आधा घंटा धूप में खड़े रहे, फिर उन्होंने कहा कि वो ADM साहब बाहर नहीं आ रहे, आप अंदर आके आवेदन दे दीजिए। हम लोग अंदर गए तो बोले कैसे आए, क्या हुआ? मैंने कहा सर आवेदन देने आए आपको। तो कहने लगे किसी को बुलाया उन्होंने, चले इनका ये देखो क्या है, क्या मैटर है। वो आए और वो देख के पढ़ने लगे तो हम लोग बताने लगे तो वो सुन रहे, फिर किसी का कुछ काम देख रहे, कहीं किसी का कुछ काम, मतलब कोई रिस्पांस वाला काम नहीं है। फिर हमने कहा सर आवेदन देना है, तो कहला इसमें मेरा क्या काम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैंने कहा सर आप देख लीजिए, समझ लीजिए उसके लिए। कहले ठीक है, हो गया, दे दो आप, हम देख लेंगे। इतना कह के हम आवेदन दे के बाहर आ गए थे। नहीं, संतुष्ट नहीं है सर, कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि हाँ हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं, करेंगे। बच्ची एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th के, और 10th का एग्ज़ाम देने गई थी अपने कॉन्वेंट स्कूल में, IPS में वो पढ़ती है, सेंटर उसका कॉन्वेंट था, तो सेंटर कॉन्वेंट था तो उसमें एग्ज़ाम देने गई, अच्छी स्वस्थ बढ़िया सब कुछ थी, बस कॉपी पर उसने रोल नंबर लिखा है और थोड़ा बहुत सम्स किया उसने और एकदम उसको चक्कर आ गए और वो टेबल पे ही सिर रख एकदम से रख के नहीं और रह गई, वो बेहोश हो गई। वहाँ किसी ने कोई भी उसको देखने भालने वाला कोई नहीं था स्कूल में। जब उसको थोड़ा बहुत होश आया, अब वो कितनी देर में आया, 10-15 मिनट आधे घंटे बाद, तो फिर वहाँ पे जो टीचर रूम में थे उन्होंने पूछा कि क्या क्या हो गया तेरे को, तो बोले बहुत जम के चक्कर आ गए इस मैडम और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉमिट आ रही है तो आप बाथ वगैरह खुलवा दीजिए। बाथ वगैरह सब बंद है उनके यहाँ, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं। बच्ची की तबीयत की सूचना हमको मिली जब उसका एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो गया, तब IPS प्रिंसिपल का मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, आप उसको ले आइए। तब हम भागते हुए गए, जाके उसको देखा वहाँ क्लास में, तो रो रही थी, उसके पीछे और दो ब्रेंच पीछे एक बच्ची और, उसकी भी ऐसी तबीयत ख़राब थी, वो भी रो रही थी बैठ के। बिल्कुल सही है, ये कॉन्वेंट स्कूल वालों की बहुत बड़ी गलती है और ये हमेशा ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं, यहाँ इनको बच्चों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं निकलता है। खबर भारतवर्ष के लिए गंजबासौदा जिला विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।